हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, एमपी टेट आपका हुआ था अभी 2023 का, उसमें वर्ग दो के कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, कैटेगरी वाइज कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, सभी का डाटा आ चुका है। ऑफिशियल डाटा आपका आ चुका है, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और गायन संगीत में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, जो आपका वर्ग दो गायन वादन का है, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कितने विद्यार्थी कैटेगरी वाइज पास हुए, सभी का डाटा मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए मैं चैनल के माध्यम से ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लेकर के आता रहता हूँ। देखिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहले जो आरटीआई आया है उसकी रिप्लाई के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, ऑफिशियल डाटा है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपका जो इंग्लिश का है 2023 के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे, देन अपन 2018 के बारे में बात करेंगे। 2023 में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में ईडब्ल्यूएस के 838 विद्यार्थी पास हुए हैं, ओबीसी के लिए 1336 विद्यार्थी, एससी के लिए 375, एसटी के लिए 97, यूआर के लिए 659 विद्यार्थी पास हुए हैं। ये गाइस वही डाटा है, जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनका ही डाटा है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए, आप यहाँ पर देख भी सकती हैं, बिंदु एक क्रमांक में चाही गई जानकारी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में विषयवार एवं कैटेगरी वार क्वालिफाइड आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है। तो यह क्वालिफाई आवेदनों की संख्या है, जो विद्यार्थी क्वालिफाई हुए हैं उनका डाटा है। अब बात करें गायन वादन के बारे में, तो गायन वादन में ईडब्ल्यूएस के 224 विद्यार्थी पास हुए हैं, ओबीसी के 258 विद्यार्थी हैं, एससी के 142 हैं, एसटी के 10 हैं और यूआर के आपके 122 विद्यार्थी हैं। तो देखिए, संगीत में आपके टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 224 आपका ईडब्ल्यूएस का, 258 ओबीसी का, 142 एससी का, 10 एसटी का और आपका 122 जनरल का। तो टोटल आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 700 के आसपास आपके विद्यार्थी गायन वादन वर्ग दो में पास हुए हैं। तो यह ऑफिशियल डाटा है, आरटीआई का रिप्लाई आया है उसी के हिसाब से यह डाटा आया है। यह वर्ग दो का डाटा है, अभी वर्ग तीन का डाटा नहीं आया है। जब भी वर्ग तीन का डाटा आता है, सबसे पहले आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। जो विद्यार्थी वेट कर रहे हैं कि गायन वादन वर्ग तीन का क्वालिफाइंग डाटा कब तक आएगा, तो उसका भी आरटीआई लगा हुआ है, उसका जैसे ही डाटा आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हिंदी के लिए ईडब्ल्यूएस में 3328 हैं, ओबीसी में आपके 7644 हैं, एससी में 3883 हैं, एसटी में 2132 हैं, यूआर में 3051 हैं। अब मैथ में आप देख सकते हैं, मैथ में बहुत अधिक कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। फिजिकल एजुकेशन, देखिएगा इस फिजिकल एजुकेशन में 269 ईडब्ल्यूएस में पास हुए हैं, 848 आपका ओबीसी में, 251 एससी में, 119 एसटी में, 1026 आपके जनरल में। तो फिजिकल एजुकेशन में इस प्रकार से विद्यार्थी पास हुए हैं। यहाँ पर सबसे कम आपको जो कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपका उर्दू में, उर्दू की पुष्टि भी वैसे कम आती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका डाटा दिया हुआ है। अब अपन इसमें बात करें 2018 में, तो 2018 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं था, तो यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी जनरल का ही आपको डाटा मिलेगा। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, इस प्रकार से आप अपना देख सकते हैं। अब अपन देखिए बात करने वाले हैं आपका गायन वादन संगीत के बारे में। तो संगीत में आपके 700 विद्यार्थी पास हुए हैं टोटल वर्ग दो में। यहाँ पर जो पिछला दैनिक भास्कर में अपडेट आया था, 392 पदों पर आपकी भर्ती आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर कंपटीशन ना के बराबर है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी
आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, 6 तारीख को यानी कि 6 अगस्त को आपके वर्ग एक के एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहे हैं, तो मान के चल सकते हैं आपके 10 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस आपका 2 से 4 दिन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अब बिल्कुल भी इंतज़ार ना करिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको और फिर कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये था पूरा का पूरा अपडेट। अगर आपको कुछ भी जानकारी अगर चाहिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मैं इस डाटा को टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।